वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसे ज़रूर दबाएं। उसी के साथ चैनल की सभी वीडियो को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर करें। तो मैंने इससे पहले एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था कि क्या मैं प्लव की सेटिंग के बारे में बताऊं, तो सभी किसान भाइयों ने मुझसे पूछा था कि आप उसको एक बार क्लियर कर दीजिए कि कैसे कैसे आप प्लव सेट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले प्लव चलाने के लिए जो सेटिंग चाहिए होती है वो प्लव खुद की सेटिंग चाहिए होती है कि प्लव कैसा एडजस्टमेंट पे है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लव में यहाँ पे ये नट दिए रहते हैं जो कि MB प्लव, पल्टी प्लव या रिवर्सिबल प्लव, जैसे हमारे पास ये वाला प्लव है, ऐसे इनमें दिए रहते हैं। इसको टाइट और कम या फिर ज़्यादा करने से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप इसे ज़्यादा खोलते हैं, ज़्यादा आप खोलेंगे तो ये जो पंजा है इसका ये थोड़ा और उधर जाएगा, जितना उधर जाएगा उतना एरिया ये कवर करेगा लेकिन इसकी गहराई जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपको इसकी गहराई लेनी है तो ये जो टॉय है इसको और मतलब टाइट कर दीजिए। जब टाइट करेंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा, जैसे ये ऊपर आता है तो ये जो फल्ला है ये थोड़ा इधर सरकेगा। इधर सरकने से क्या होगा कि ये जो एरिया है जितना ये कवर करने वाला है ये कम हो जाता है और इसकी जो गहराई है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो जैसे आपको गहरा प्लव चलाना होता है तो आप इनको एडजस्ट करिए, इनको ऊपर करिए। अगर आपको प्लव ज़्यादा अच्छा चलाना है, मतलब ज़्यादा एरिया में कवर करना है और गहराई कम लेनी है, या फिर आपका गीला खेत है, तो आप इसको खोल के चलाइए। तो उससे क्या होता है कि आपका एरिया जल्दी कवर होता है और उसके साथ काम अच्छा होता है। अब दूसरी हम बात करेंगे, इसमें ये दो पिन दिए रहते हैं, यहाँ पर आपने देखे होंगे, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप 3 पॉइंट लिंकेज को लगा सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके ट्रैक्टर के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आपका ट्रैक्टर की जो लंबाई है वो कम है, मतलब जो लंबाई में ट्रैक्टर जो है उसका साइज़ कम है, तो आप उसको यहाँ पर लगाइए। उससे क्या होता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ट्रैक्टर आगे से उठता नहीं है। और जो ट्रैक्टर की लंबाई ज़्यादा होती है उसको यहाँ पर लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस होता है और वो भी नहीं उठता, तो दोनों से बैलेंस होकर चलता है। अब इसके बाद हम सबसे ज़रूरी बात करेंगे इसकी सेंसिंग की। सभी लोगों को मैंने देखा है कि प्लव में बोलते हैं कि सेंसिंग कम चाहिए होती है, पर मेरे हिसाब से प्लव को सबसे ज़्यादा सेंसिंग चाहिए होती है, क्योंकि प्लव जो होता है वो गहराई ज़्यादा लेता है तो उसे बार बार एक लेवल पे सेट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो हमें चाहिए होती है। तो इसको हमेशा वो पॉइंट पर लगाए जहाँ पर आपकी प्लव की जो सेटिंग है वो सबसे ज़्यादा सेंस करे ट्रैक्टर में, मतलब ट्रैक्टर की जो सेंसिंग लिफ्ट है। जैसे मेरे यहाँ पे जॉन डियर का ट्रैक्टर है, मेरे नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है, अगर जराक भी ये पॉइंट पे धक्का लगता है तो ऑटोमेटिक इसे उठा देता है। तो सेंसिंग लेवल जहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा आपका, वहाँ पर आप प्लव को सेट करेंगे तो आपका जो प्लव है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। उससे आपका एक तो स्लिपिंग कम होगी, जो टायर खाने की जो समस्या है वो भी कम हो जाएगी, दूसरी आपकी जो काम करने का तरीका है वो भी तेज हो जाएगा, क्योंकि स्लिपिंग कम होगी तो दिखती बात है कि आपका एरिया जो है वो पर घंटे पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी के साथ हम बात करेंगे कि इसे कहाँ पर लगाना है। तो ये जो टॉप लिंक है इसमें भी दो नट दिए गए हैं, आपको देख सकते हैं कि ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी। इसे लगाना है आपकी सेंसिंग के हिसाब से, मतलब प्लव जितना आपका नीचे बैठता है उस लेवल से आपका जो इक्विपमेंट है उससे इसकी जो लाइन है वो डाउन साइड रहनी चाहिए। डाउन साइड क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि जैसे ही डाउन साइड रहती है तो जो सेंसर होता है उससे धक्का बहुत अच्छे तरीके से लगता है। जैसे इसके ऊपर लोड आता है वैसे ही ये प्लव को धक्का मारती है, और जैसे ही धक्का मारेगी ऑटोमेटिक ये सेंसिंग के कारण ऊपर नीचे उठता रहेगा। इससे आपको जो आपकी ADDC टाइप की हाइड्रोलिक है उसे बार बार परेशान नहीं करना पड़ेगा, मतलब बार बार ऊपर नीचे करके आप जो दिक्कत लेते हैं वो नहीं होगी। दूसरी इसके साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आपकी साइड वायर है इसे एडजस्ट आपको रखना है। ये जो साइड वायर है ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा ही गैप होना चाहिए, जैसे कि इनमें है बिल्कुल टाइट है ये। जैसे उधर साइड भी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल टाइट रहती है। टाइट रहने से क्या है कि ये जो प्लव होता है ये साइड में नहीं भगता, मतलब जैसे 18 इंच की ब्लेड है तो 18 इंच ही काटेगा, अगर 16 इंच की ब्लेड है तो 16 ही काटेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो टाई इसको ढीला कर दिया तो ये इधर सरक के आ जाती है, तो जो ब्लेड प्रॉपर चलनी होती है वो ब्लेड नहीं चलती और आधे हिस्से में चलती है, जिससे कि आपका ट्रैक्टर डीजल भी ज़्यादा लेगा और आपका जो एवरेज है वो भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, उसी के साथ आपको दूसरी बात याद रखनी है, टायर में ब्लास्टिंग, मतलब टायर में वजन और टायर का एयर प्रेशर। टायर का एयर प्रेशर की बात की जाए तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम हवा लग रही है, मतलब इसके अंदर जो है कि मैंने जो भरवाई है वो 12 पाउंड है और 10 पाउंड 12 पाउंड के लगभग मैं हमेशा भरवाता हूँ। इसी के साथ मैंने इसमें पानी भी डाला है, वो पानी जो डाला है उसमें मैंने अपने तरीके से डाला, उसकी भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जितना आप वजन रखेंगे उतना अच्छे तरीके से ये काम करेगा।
फ्रंट में आप ज़्यादा वजन रखेंगे तो आपका जो ट्रैक्टर है वो कभी भी दिशा नहीं लेगा, मतलब आइट साइड नहीं भागेगा, और बैक में आप वजन रखेंगे तो स्लिपिंग कम हो जाएगी। अगर इसकी बात की जाए कि कितना प्रेशर रखना चाहिए, तो 12 पाउंड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट प्रेशर है मेरे हिसाब से प्लाऊ में। उसमें क्या होता है कि जो ग्रिप होते हैं आपके, जैसे ये मेरा, इसमें देखिए कि ये जो तीनों ग्रिप है ये तीनों दब के जा रही है। अगर ये ट्रैक्टर प्रेशर पे चलता है तो ये तीनों दब के चलती है, उससे इसकी स्लिपिंग कम हो जाती है, और जितनी कम स्लिपिंग होगी उतना अच्छे तरीके से आपका एक एरिया निकलेगा और ट्रैक्टर को भी लोड कम पड़ेगा। उसी के साथ भाई साहब आप चला के बता दीजिए कि कैसा चलेगा इसमें। अब जैसे कि मेरे इसमें देख सकते हैं मैंने ये नट को खोला है, खोला इसलिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा एरिया कवर करवाना था। उसी के साथ खेत में मैंने पूरी नलवाई बचा के रखी है ताकि जो अगली फसल है उसको दिक्कत नहीं आए और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लाऊ लग रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो थोड़ी सी ये टिल्टेड दिख रहा है आपको, ये उस नट के कारण दिख रहा है। इस कारण से इसकी जो लंबाई है, ये चौड़ाई, ये ज़्यादा जा रही है, मतलब मेरा एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है तो गहराई थोड़ी सी कम ले रहा है। तो इस तरीके से आपको चलवाना है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, एक तो एरिया आपका ज़्यादा कवर होगा, ऊपर से ट्रैक्टर काम अच्छे तरीके से करेगा। अब उसी के साथ अगर हम ट्रैक्टर के एयर प्रेशर को देखें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रिप जो है ये पूरा दब के चल रहा है। ज़्यादा लोड जो होता है वो हमेशा प्लाऊ के इस साइड वाले चक्के पे आता है, वहाँ पर आपको दिखेगा कि किस प्रकार पे चल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल दब के जा रही है ये। तो इस तरीके से ये काम करता है, और सेंसर होने के कारण क्या है कि जो आदमी होता है पर्सन, वो ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके चला रहा है और ट्रैक्टर जो है ऑटोमेटिक इसको सेंस कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो इससे दिक्कत नहीं हो रही है। तो एक बात ये याद रखनी है कि हमेशा इसे ज़्यादा सेंसिंग पे चलाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।